हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, अपने पास जो टॉपिक रहेगा वो है आपके पास एक्स किरणों का विवर्तन। तो इस यूनिट में अपन बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, जो जो इंपॉर्टेंट था वो सब अपन ने कर दिया है। मिलर इंडिसेज तक कर दिया था, प्लेन बता दिए थे, बी सी सी, एफ सी सी, एस सी सी स्ट्रक्चर बता दिए थे, उससे रिलेटेड जो भी कैलकुलेशन थी वो बता दी थी। आज अपन बात कर रहे हैं किसकी, एक्स किरणों का विवर्तन। तो आज आप टॉपिक लगा लीजिए एक्स किरणों का विवर्तन। तो देखो, ओनली एक्स किरणों का विवर्तन, सबसे पहले तो ये चीज़ क्या होती है, उसके बाद मैंने लिखा है कि ब्रैग समीकरण। तो एक्स किरण से रिलेटेड एक इक्वेशन आता है जिसे कहते हैं अपन ब्रैग किरण, या फिर बोल सकते हो आप ब्रैग समीकरण। क्या बोल सकते हो? ब्रैग समीकरण। तो इसको अपन ब्रैग समीकरण भी बोल सकते हैं। तो एक बार के लिए तो आप क्या देखो, एक बार के लिए देखो कि एक्स किरणों का जो विवर्तन होता है वो क्या होता है, एक्स किरण का विवर्तन कैसे होगा। यदि मैं मानता हूँ कि कोई क्या है, आपके पास कोई जालक है, कोई क्रिस्टल है, मान लिया कोई क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में क्या है, कुछ जालक तल है, यानी वो क्रिस्टल है वो किसी निश्चित ऑर्डर या निश्चित यानी फिक्स अरेंजमेंट के साथ बना हुआ है, ठीक है। यानी मान लिया कि कोई क्रिस्टल है, उसमें बहुत सारे जालक पॉइंट है या जालक तल है, तो उस जालक तल में वो क्या है, फिक्स डिस्टेंस पे। अब जैसे मान लिया कि ये देखो, ये तीन जालक तल मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, दो जालक तल, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये एक क्या है, निश्चित ऑर्डर में है, निश्चित क्रम में व्यवस्थित है। तो इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं वही क्या होते हैं, अपने पास कोई भी क्रिस्टल में जालक तल होंगे, ठीक है। यदि मैं उस क्रिस्टल के तल पर या उस क्रिस्टल पर यदि मैं एक्स किरण आपतित कराऊं, यानी एक्स किरण क्या कराऊं, इंसिडेंट कराऊं, तो उससे अपन को कुछ अलग टाइप की संरचनाएं मिलती है जिसे अपन कहते हैं लाउए प्रतिरूप। जिसे क्या कहते हैं अपन, लाउए प्रतिरूप, जिसे कहते हैं अपन लाउए प्रतिरूप। यानी ये संरचना किस किस टाइप की होती है, ये कुछ इस टाइप की होती है। देखो यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, ये एक्स किरण है या एक्स सोर्स है। यहाँ पे मैंने कोई रख दिया कि ये क्या है, आपके पास सी यू एस ओ फोर का क्रिस्टल है। क्या है आपके पास? सी यू एस ओ फोर का क्रिस्टल है। तो यहाँ से ये एक्स किरण आएगी और यहाँ से क्या होगा, इसका विवर्तन होगा। विवर्तन होगा तो ये एक फोटोग्राफिक प्लेट पे जाएगी। तो फोटोग्राफिक प्लेट पे जाएगी तो ये कुछ संरचना बनाएगी। तो उन्हीं संरचना को अपन क्या कहते हैं, लाउए प्रतिरूप कहते हैं। ये संरचना कुछ डब्बों के रूप में, जैसे अपने पास डब्बे होते हैं उसके रूप में, ये कुछ इस टाइप में, कुछ इस टाइप में, कुछ इस टाइप में बनती है, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं अपने, लाउए प्रतिरूप। और ये क्या है आपकी, फोटोग्राफिक प्लेट। ये क्या है आपकी, फोटोग्राफिक प्लेट। तो इस टाइप से जो भी संरचना बनती है वो क्या कहलाते हैं अपने, लाउए प्रतिरूप कहलाते हैं। और लाउए क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि इसका जो ये कंसेप्ट दिया था, ये जिसने बताया था उनका नाम भी क्या था आपके पास, लाउए था। इसकी वजह से इनको लाउए प्रतिरूप कहा जाता है। तो देखो, सबसे पहले तो अपने पास जो विवर्तन होने का रीजन है, मान लिया कि जो जालक तल होता है उसके बीच की जो अंतराल होता है, यानी अंतराल की कोटि कितनी होती है अपने पास, लगभग इसकी जो कंडीशन रहती है वो बता रहा हूँ कि जो अपने पास कोई भी क्रिस्टल होगा, मान लिया कि सी यू एस ओ फोर का क्रिस्टल है, उसमें कोई जालक तल है, जालक तल के बीच में जो अपने पास जालक अंतराल की यानी डिस्टेंस की कोटि होगी वो कितनी होती है आपके पास, वन एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस की। कितनी होती है, वन एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस की। अब आप जानते हो कि जो एक्स किरण की वेवलेंथ होती है वो भी कितनी ऑर्डर की होती है, वो भी कितनी होती है, वन एंगस्ट्रॉम की। जब ये दोनों वन एंगस्ट्रॉम की है, जब इनका क्या होगा फिर, जब ये दोनों एक समान ऑर्डर की है, यानी यहाँ पे ये दोनों किरण क्या करेंगे आपके पास, क्या करेंगे, विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन करेंगे। अब वो डिफ्रैक्शन किस बेस पे होगा वो अपन कह सकते हैं कि देखो, यदि जो इंसिडेंट होने वाली, मान लिया कि कोई एक्स किरण इस पे थीटा डिग्री एंगल पे इंसिडेंट हो रही है तो वो थीटा पे जाएगी, कोई थीटा वन पे इंसिडेंट हो रही है तो वो थीटा वन पे जाएगी, कोई थीटा टू पे इंसिडेंट हो रही है तो कोई थीटा टू पे जाएगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो आपतित होने वाला कोण होगा उसी एंगल के साथ वो क्या जाएगी, वापस बाहर जाएगी। तो बाहर जाएगी तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें, अब जैसे यहाँ पे दो किरण मान ली कि एक थीटा आ रही है, एक थीटा वन आ रही है, कौन सी आ रही है, एक थीटा आ रही है और एक थीटा वन आ रही है। क्या ये थीटा और ये थीटा वन ऐसे जाएगी क्या? अब वो हो सकता है आगे जाके क्या करे, वो विवर्तन करे, या हो सकता है वो क्या करे, सेम फेज में हो तो इंटरफेरेंस करे। तो इंटरफेरेंस के कारण भी अपन को वैल्यू या डायग्राम लाउए प्रतिरूप मिल सकता है। तो कंसेप्ट क्या लिखना है आपको, सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि एक्स किरणों का विवर्तन क्या होता है, किसने बताया था। तो एक्स किरणों का विवर्तन वही होता है, यदि मैं किसी क्रिस्टल पर एक्स किरण को आपतित कराऊं तो हमें फोटोग्राफिक प्लेट पर एक धब्बे के रूप में संरचना प्राप्त होती है, वही क्या कहलाते हैं अपने, लाउए प्रतिरूप कहलाते हैं। और ये संरचना क्यों प्राप्त होती है, क्योंकि जो क्रिस्टल होता है उसमें जो जालक तल होते हैं वो कितने होते हैं, फिक्स एक रेंज के होते हैं, यानी उसकी ऑर्डर देखा जाए तो वन एंगस्ट्रॉम कोटि होती है, और जो एक्स किरण की वेवलेंथ होती है वो भी कितनी होती है आपके पास, वन एंगस्ट्रॉम कोटि की होती है। उसकी वजह से उन किरणों का क्या होता है, विवर्तन होता है, ठीक है। इतनी चीज लिखनी है, फिर अपन ये क्या पढ़ेंगे, ब्रैग समीकरण का इक्वेशन, और ब्रैग समीकरण इसकी सहायता से निकालेंगे। तो पहले आप लिख दीजिए एक्स किरणों का विवर्तन और उसमें ये वाला डायग्राम बना दीजिए। ये नॉर्मल सा एक सिंपल सा डायग्राम है, एक्स किरण है, सी यू एस ओ फोर है और फोटोग्राफिक प्लेट है, ठीक है।
तो ये वाला डायग्राम बना दीजिए, इसके बारे में कुछ लिख दीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। लिखिए इसमें कि ठोस पदार्थ के क्रिस्टल में परमाणु क्रमबद्ध व निश्चित अंतराल पर एक दूसरे से व्यवस्थित होते हैं। क्रमबद्ध या निश्चित अंतराल पर एक दूसरे से व्यवस्थित होते हैं। ठोस पदार्थ के क्रिस्टल में परमाणु क्रमबद्ध या निश्चित अंतराल पर व्यवस्थित होते हैं। इन परमाणुओं के मध्य का अंतराल एक एंगस्ट्रॉम कोटि का होता है। इन परमाणुओं के मध्य का अंतराल एक एंगस्ट्रॉम कोटि का होता है तथा एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य भी तथा एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य भी इसी कोटि की होती है, इसी कोटि की होती है। तो लाउए ने बताया कि तो लाउए ने बताया कि जब किसी एक्स किरण को किसी ठोस क्रिस्टल पर आपतित कराते हैं, किसी ठोस क्रिस्टल पर आपतित कराते हैं, तो इसमें एक्स किरणों का विवर्तन हो जाता है, तो इसमें एक्स किरणों का विवर्तन हो जाता है, तो इसमें एक्स किरणों का विवर्तन हो जाता है। और इस विवर्तन के कारण और इस विवर्तन के कारण फोटोग्राफिक प्लेट पर कुछ विशेष प्रतिरूप प्राप्त होते हैं, कुछ विशेष प्रतिरूप प्राप्त होते हैं। जिसे लाउए प्रतिरूप कहते हैं। जिसे लाउए प्रतिरूप कहते हैं। अब देखो ये तो अपन ने क्या लिखा, एक्स किरण के बारे में विवर्तन होता है उसके बारे में लिखा। अब अपन बात करते हैं किसकी, ब्रेग समीकरण की। किसकी बात करते हैं, ब्रेग समीकरण। ब्रेग समीकरण ये भी एग्जाम में कई बार आपके पूछी जाती है। देखो ब्रेग समीकरण क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, यदि आपने पढ़ा होगा कि ये इक्वेशन होती है 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्ब्रा। अब यदि मैं बात करता हूँ, देखो ये आती कैसे, कैसे प्रूफ होती है। मान लिया कि कोई क्रिस्टल है, क्या मान लिया मैंने, कोई क्रिस्टल है, उसके क्या है जालक तल है, यानी जालक प्लेन है, यानी लेटिस प्लेन है। तो वो मैंने समतल मान लिया। देखो एक तो तल मान लिया ए और ए डैश, एक तो मैंने तल क्या माना ए और ए डैश, दूसरा क्या माना मैंने बी और बी डैश, तीसरा क्या माना मैंने सी और सी डैश। अब यहाँ पे ये जालक तल कैसे एक निश्चित क्रम निश्चित ऑर्डर में व्यवस्थित है, मतलब देखो यहाँ पे दोनों इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है स्मॉल डी, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है स्मॉल डी। अब मैं यदि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स किरणों का विवर्तन हो रहा है, तो सबसे पहले विवर्तन के लिए एक्स किरण आ भी रही होगी, एक्स किरण इंसिडेंट भी हो रही होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ से मैं मान लिया कि सबसे पहले पी एक्स किरण आ रही है यहाँ पे थीटा डिग्री एंगल पे, फर्स्ट प्लेन के साथ क्या हो रही है इंसिडेंट हो रही है। फिर क्या होगा, इमिट होने के बाद, इंसिडेंट होने के बाद वो कहाँ जाएगी, वापस
बाहर जाएगी। तो जब बाहर जाएगी इसका मतलब थीटा डिग्री एंगल पे वो कहाँ जाएगी, बाहर जाएगी। अब मैं कहता हूँ कि ये तो क्या हो गया आपके पास, थीटा और थीटा हो गया, यानी यहाँ से जो इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट किरण आई वो यहाँ से टकरा के कहाँ गई, पी और क्यू में। अब यदि मैं बात कराऊँ दूसरे तल की, तो ये तो अपना जो जो इंसिडेंट होकर गई थी वो कहाँ से गई थी, ओ पॉइंट से, यानी जो फर्स्ट वाला प्लेन था वहाँ से गई थी। यदि मैं सेकंड की बात करता हूँ तो ये कहाँ से जाएगी, यदि दूसरी किरण आ रही है अपने पास पी डैश, यानी ये जो पहले आ रही थी उससे क्या है, चेंज है, उसका एंगल चेंज है। पी डैश किरण आ रही है वो कहाँ से जा रही है अपने पास, वो कुछ पार करके कहाँ जा रही है, सेकंड प्लेन में जा रही है, और सेकंड प्लेन से क्या हो रही है, वापस रिफ्लेक्ट हो रही है। ये कहाँ से हो रही थी, फर्स्ट प्लेन से, ये कहाँ से हो रही है आपकी, सेकंड प्लेन से। तो मैं कह सकता हूँ कि जब ये दोनों किरण आगे जाके कहीं ना कहीं मिलनी चाहिए, यदि ये किरण अपने पास क्या है, सेम फेज में है, समान कला में है, तो अपन जानते हैं कि समान कला में जब भी कोई दो किरण मिलती है तो वहां पर क्या घटना होती है, व्यतिकरण की घटना होती है। और व्यतिकरण भी कौन सा होता है, आप जानते हो कि जब समान फेज में है, समान कला में है, इसका मतलब वहां पर संपोषी व्यतिक्रमण होगा, और जिसकी कंडीशन होती है डेल इज इक्वल टू एन लैम्डा। आपने फर्स्ट ईयर की ऑप्टिक्स में पढ़ा चुका हूँ और आपको ध्यान भी होगा कि संपोषी व्यतिकरण के लिए क्या कंडीशन होती है, डेल इज इक्वल टू एन लैम्डा, यही कंडीशन होती है। तो इसी को हेल्प लेते हुए अपन क्या करेंगे, ब्रैग समीकरण को निकालेंगे, ठीक है। तो डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, क्या है लिया है मैंने, सबसे पहले कुछ प्लेन ली है, ए डैस, बी डैस, सी डैस, यानी ये तीन प्लेन ले लिए, निश्चित ऑर्डर में है, इनके बीच की दूरी कितनी है, डी। यहाँ से कोई भी इंसिडेंट हो रही है पी किरण, वो थीटा डिग्री एंगल पर हो रही है, तो वो रिफ्लेक्ट भी कितनी हो रही है, थीटा डिग्री एंगल पर वापस जा रही है। जो दूसरी किरण है पी डैश, वो कहाँ से, सेकंड तल से रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी ओ डैश से रिफ्लेक्ट होकर जा रही है क्यू डैश में। अब जब ये दोनों किरणें समान कला में है, मतलब क्या दर्शाएगी अपने पास, संपोषी व्यतिकरण की घटना को दर्शाएगी, और वहां से अपन को क्या मिलेंगे, कुछ प्रतिरूप मिलेंगे। पर अपन को तो क्या निकालनी है, ब्रैग इक्वेशन निकालनी है, ब्रैग समीकरण निकालनी है, तो उसको निकालते हैं, ठीक है। तो पहले डायग्राम को आप बना दीजिए, फिर इसकी थ्योरी लिखिए, फिर अपन कैलकुलेशन करते हैं। डायग्राम बना लीजिए पहले, अब इस डायग्राम में देखो मैंने कैलकुलेशन के लिए क्या किया है, जो ये जो रेड कलर से आपको दिख रहा है ओ एम और ओ एन, मैंने क्या डाले, लम डाले, एक जो इंसिडेंट हो रही थी उस पर, एक जो रेंज जो किरण वापस जा रही थी उस पर, ठीक है। तो ओ एम और ओ एन क्या है यहाँ पे आपके, लम्ब है, ये क्या है आपके पास, लम्ब है। लिखिए इसमें, माना एक क्रिस्टल का जालक है, माना एक क्रिस्टल का जालक है जिसमें ए ए डैश, माना एक क्रिस्टल का जालक है जिसमें ए ए डैश कॉमा बी बी डैश माना एक क्रिस्टल का जालक है जिसमें ए ए डैश कॉमा बी बी डैश कॉमा सी सी डैश समतल उपस्थित है। माना एक क्रिस्टल का जालक है जिसमें ए ए डैश बी बी डैश सी सी डैश समतल उपस्थित है। अब हम क्रिस्टल पर थीटा कोण पर एक्स किरण आपतित कराते हैं। अब हम क्रिस्टल पर थीटा कोण पर एक्स किरण आपतित कराते हैं। तो समतल से यह किरण जालक में उपस्थित परमाणु से विवर्तित हो जाती है। तो समतल से यह किरण जालक में उपस्थित परमाणु से विवर्तित हो जाती है और हमें विवर्तित एक्स किरण ओ क्यू प्राप्त होती है और हमें विवर्तित एक्स किरण ओ क्यू प्राप्त होती है। नई लाइन से लिखना, कुछ एक्स किरण जालक के प्रथम तल को पार करके कुछ एक्स किरण जालक के प्रथम तल को पार करके द्वितीय तल से विवर्तित होती है द्वितीय तल से विवर्तित होती है।
माना जालक तलों के मध्य समान दूरी स्मॉल डी है। माना जालक तलों के मध्य समान दूरी स्मॉल डी है। माना जालक तलों के मध्य समान दूरी स्मॉल डी है। तथा दो समांतर एक्स किरण पी ओ क्यू और पी डैश ओ डैश क्यू डैश है। पी ओ क्यू पी डैश ओ डैश क्यू डैश है। इन दोनों एक्स किरणों की कला समान है। इन दोनों एक्स किरणों की कला समान है। इन दोनों एक्स किरणों की कला समान है, इसलिए इन एक्स किरणों के मध्य संपोषी व्यतिकरण होता है। इसलिए इन एक्स किरणों के मध्य संपोषी व्यतिकरण होता है। और हम जानते हैं कि संपोषी व्यतिकरण के लिए निम्न प्रतिबंध होता है प्रतिबंध लिख लेना डेल इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास एन लैम्डा। यहाँ पे एन क्या है, पूर्णांक संख्या होती है कोई भी। एन क्या है यहाँ पे, पूर्णांक संख्या है। और ये डेल क्या है, पथांतर, पथ का अंतर। और लैम्डा वेव लेंथ लिख लो ये। इसके बाद लिखो, अब हम एक्स किरण पी ओ क्यू व पी डैश ओ डैश क्यू डैश के मध्य पथांतर ज्ञात करते हैं। अतः बिंदु ओ से एक्स किरण पी डैश ओ डैश क्यू डैश पर लंब डालते हैं। जिसके कारण यह पथांतर एम ओ डैश एन प्राप्त होता है। जिसके कारण यह पथांतर क्या प्राप्त होता है आपका, एम ओ डैश एन। एम ओ डैश यानी एम ओ डैश और एन, ये वाला आपका क्या कहलाएगा, ये वाला क्या कहलाएगा आपका, पथांतर कहलाएगा। ठीक है, तो देखो एम ओ डैश एन निकालना है तो यानी डेल इज इक्वल टू क्या निकालते हैं, जो पथांतर होगा वो कितना होगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं एम ओ डैश और एन। यदि डेल की बात करता हूँ तो देखो डेल इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, एम ओ डैश और एन। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ पथांतर के लिए, एम ओ डैश प्लस ओ डैश का एन लिख सकता हूँ। अब देखो अपन को क्या चाहिए यहाँ पे, इन दोनों की वैल्यू चाहिए, एम एक तो चाहिए एम ओ डैश, दूसरी क्या चाहिए ओ डैश एन। क्या मैं यहाँ पे दो ट्राइंगल कंसिडर कर सकता हूँ, कौन कौन से ट्राइंगल कंसिडर करूँ देखो डायग्राम में, एक तो मैं कर लेता हूँ ओ ओ डैश एम, ट्राइंगल ओ ओ डैश एम। दूसरा कर लेता हूँ मैं ओ ओ डैश एन, ओ ओ डैश एन में। ठीक है, फर्स्ट वाले ट्राइंगल की बात करता हूँ, यदि मैं साइन थीटा निकालना चाहूँ तो कितना होगा आपके पास, लंब बटा कर्ण होगा। लंब कितना, ये थीटा बन रहा है तो इसके सामने क्या होगा, लंब यानी एम ओ, एम ओ डैश क्या होगा आपका, लंब होगा। और जो कर्ण होगा वो क्या होगा, जिसके साथ एंगल, यानी ओ से ओ डैश हो जाएगा, तो ओ से ओ डैश हो जाएगा। ऐसे ही मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू, तो ये क्या होगा देखो, ओ डैश एन क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या हो जाएगा आपके पास, ओ डैश एन अपॉन में क्या हो जाएगा, ओ ओ डैश। और ओ ओ डैश आप जानते हो, ओ और ओ डैश कितना है आपके पास, डी है, ये भी आप जानते हो, तो ओ ओ डैश कितना है आपके पास, डी है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू एम ओ डैश अपॉन में डी। ऐसे इसमें क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू ओ डैश एन अपॉन में डी, यानी मैं यहाँ पे वैल्यू लिख सकता हूँ ओ एन डैश की, तो कितनी आई, डी साइन थीटा। और इसकी कितनी आई, एम ओ डैश की आई, डी साइन थीटा।
दोनों की कितनी आई डी साइन थीटा, इसको मैं नंबर दे देता हूँ 2। क्या मैं इसमें ये जब आ गया एम ओ डैश आ गया और ओ डैश एन आ गया, ये वैल्यू मैं इसमें रख सकता हूँ समीकरण नंबर 2 में, या इसको दे देता हूँ 3। तो समीकरण 2 से क्या आ जाएगा आपके पास, समीकरण 2 से क्या आ जाएगा, देखो एम ओ डैश और ओ एन डैश यानी डेल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू डेल इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 2d sin थीटा, क्या आएगा 2d sin थीटा। अब ये डेल किसके इक्वल है एन लैम्डा के, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ समीकरण 4 और 5, समीकरण 1 और 4 को क्या करवाएंगे कंपेयर, ये भी डेल के बराबर है, ये भी डेल के बराबर है, यानी समीकरण 1 व 4 से क्या आ जाएगा 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, 2d sin थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, और यही क्या कहलाती है आपने ब्रैग समीकरण कहलाती है, यही क्या कहलाती है आपकी ब्रैग समीकरण। अब इसमें देखो ये d है, ये क्या है जालक तलों के बीच की दूरी है, यदि जालक तल आपको दे रखे जैसे 110 120 200, तो आप दूरी आपको निकालना आता है, पहले इससे निकाली अपन ने कि d कैसे निकालते हैं, 1/h² / a² प्लस k² / b² प्लस l² / c² का पूरे का क्या था अंडर रूट, तो इस टाइप से आप डी निकाल सकते हो। तो डी क्या है यहाँ पे जालक तलों के बीच की दूरी है, थीटा क्या है एंगल है, एन पूर्णांक है, और एल लैम्डा क्या एक्स किरण की वेवलेंथ है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी ब्रैग इक्वेशन। यदि मैं n इज इक्वल टू 1 लेता हूं यहां पे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है, तो इसको लिख दीजिए आप, तो ये आपकी क्या आ गई ब्रैग समीकरण आ गई। यदि मैं यहाँ पे d निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, d क्या होगा यहाँ पे n लैम्डा अपॉन में 2 sin थीटा होगा, बताओ यहाँ पे d क्या होगा, यहीं पे मैं लिख देता हूँ एक बार, यदि मैं d निकालना चाहूँ तो देखो d क्या आएगा आपके पास, d यहाँ से क्या आएगा साइन d इज इक्वल टू एन लैम्डा अपॉन में 2 sin थीटा। यदि मैं d मिनिमम करूँ तो d मिनिमम के लिए अपन को साइन थीटा कितना चाहिए मैक्सिमम, जब ये वाली टर्म मैक्सिमम होगी तो ये मिनिमम होगा, यदि मैं इसके न्यूनतम के लिए बात करूँ कि d मिनिमम चाहिए तो आप क्या करोगे न्यूनतम मान के लिए, तो देखो n इज इक्वल टू तो मैं मान लेता हूँ कितना 1, तो ये क्या हो जाएगा d मिनिमम इज इक्वल टू लेमडा अपॉन में 2 sin थीटा मैक्सिमम, और आप जानते हो कि साइन थीटा मैक्सिमम की वैल्यू की कौन से डिग्री एंगल पर आती है 90 पर आती है, तो इसका मतलब मैं ये मान सकता हूँ कि ये क्या हो जाएगा लैम्डा अपॉन में 2 sin 90 डिग्री, तो ये रह जाएगा आपके पास डी मिनिमम इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, यहाँ से आप ये भी निकाल सकते हो, तो इसको भी लिख लेना।
कर दिया, डायग्राम बना दिया, कंप्लीट लिख दिया, तो चलते आगे। इसका एक प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी है, उसके बारे में भी बात करते हैं। क्या करो, यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, इस टाइप का आप डायग्राम भी बना दो और उसके बारे में जो आप मैंने बताया वही चीज़ आपको लिखनी है, ठीक है। ये क्या है, एक्स किरण का स्रोत है, ये क्या है आपके पास स्लिट है, ये क्या है आपके पास ZnS क्रिस्टल है, ये क्या आपके पास ZnS क्रिस्टल है, और यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास विवर्तन हो रहा है, और यहाँ पे जो आपको संरचना मिली है विवर्तन के कारण वो क्या मिली है, लाउ प्रतिरूप। जो मैंने समझाया वही लिखना है, केवल इसमें प्रयोग का इंस्ट्रूमेंट दे रखा है इसलिए प्रैक्टिकल ये यूज लेते हैं, पूछा नहीं जाएगा वैसे एग्जाम में, यदि पूछा जाता है तो भी आप लिख सकते हो, मैं करवा देता हूँ। इस टाइप का क्या है आपके पास कोई डायग्राम है, ये इसका सोर्स मान लिया, ये वाला डायग्राम बना दो। कुछ नहीं करना इसमें, देखो ये एक्स किरण सोर्स हो गया, स्लिट क्या काम करती है, स्लिट हमेशा जो एक्स किरण जा रही है उसको समांतर बनाने रखने का काम करेगी, जो ऊपर नीचे जाएगी वो क्या हो जाएगी उस पर ब्लॉक हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो जो स्लिट का काम है वो क्या करती है, जो एक्स किरण आ रही है उसको कुछ को ब्लॉक कर देगा, बीच में जितनी जगह वहाँ से आपको जाने देगा, और वहाँ से जाने के बाद वो किस पर जाएगी, ZnS क्रिस्टल पर, और क्रिस्टल पर जाने के बाद आपको पता है कि एक्स किरणों का क्या होता है, विवर्तन होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स किरणों का विवर्तन होगा और ये फैल जाएगी, विवर्तन होने का मतलब है फैलना, तो ये क्या होगी किसी प्लेट पर फैल जाएगी, तो अपन को जो संरचना मिलेगी वो किस टाइप की मिलेगी, इस टाइप की लाउ प्रतिरूप मिलेगी, तो ये आपके जो कहलाते हैं ये भी क्या कहलाते हैं आपके, लाउ प्रतिरूप, ठीक है। यदि वो पूछता है कि एक्स किरण की प्रायोगिक विधि बताइए तो आपको ये बतानी है, तो लिखिए इसमें लिख लीजिए, इसमें ये लिख लेना विवर्तित एक्स किरण, लिखिए इसमें जब प्रकाश की किरण किसी भी कण या अवरोधक पर आपतित होती है, तो उस प्रकाश की किरण का अपने पथ से विचलन हो जाता है। जब प्रकाश की किरण किसी भी कण या अवरोधक पर आपतित होती है तो उस प्रकाश की किरण का अपने पथ से विचलन हो जाता है या फैल जाती है, यह विचलन ही विवर्तन कहलाता है।
यह विचलन ही विवर्तन कहलाता है। यह विचलन ही विवर्तन कहलाता है। एक्स किरण विवर्तन को समझने के लिए एक्स किरण विवर्तन को समझने के लिए हम एक्सरे नलिका की कल्पना करते हैं। एक्सरे नलिका की कल्पना करते हैं। ये जो सोर्स लिया ये क्या है? एक्सरे नलिका है। एक्सरे नलिका की कल्पना करते हैं। इस एक्स किरण नलिका से एक्स किरणों का उत्सर्जन होता है। इस एक्स किरण नलिका से एक्स किरणों का उत्सर्जन होता है। इस एक्स किरण नलिका से एक्स किरणों का उत्सर्जन होता है। एक्स किरण को समांतर करने के लिए एक्स किरण को समांतर करने के लिए दो स्लिट S1 व S2 लगा देते हैं। एक्स किरणों को समांतर करने के लिए दो स्लिट S1 व S2 लगा देते हैं तथा ZNS का क्रिस्टल उपयोग लेते हैं। तथा ZNS का क्रिस्टल उपयोग में लेते हैं। इस क्रिस्टल पर एक्स किरण को आपतित कराया जाता है। इस क्रिस्टल पर एक्स किरण को आपतित कराया जाता है। आपतित कराया जाता है तो क्रिस्टल में उपस्थित जालकों के द्वारा तो क्रिस्टल में उपस्थित जालकों के द्वारा एक्स किरण का विवर्तन होने के कारण तो क्रिस्टल में उपस्थित जालकों के द्वारा एक्स किरणों का विवर्तन होने के कारण विवर्तन हो जाता है। ऐसा लिख लो, विवर्तन हो जाता है। एक्स किरणों का विवर्तन हो जाता है और ये विवर्तित एक्स किरण समान कला में और ये विवर्तित एक्स किरण समान कला में होने के कारण और ये विवर्तित एक्स किरण समान कला में होने के कारण संपोषी व्यतिकरण व्यक्त करते हैं। संपोषी व्यतिकरण व्यक्त करते हैं और संपोषी व्यतिकरण को प्रेक्षित करने के लिए और संपोषी व्यतिकरण को प्रेक्षित करने के लिए संपोषी व्यतिकरण को प्रेक्षित करने के लिए एक फोटोग्राफिक प्लेट रख देते हैं। एक फोटोग्राफिक प्लेट रख देते हैं और फोटोग्राफिक प्लेट पर अधिकतम तीव्रता के कारण और फोटोग्राफिक प्लेट पर अधिकतम तीव्रता के कारण दीप्त फ्रिंज बनती है। दीप्त फ्रिंज बनती है और इन फ्रिंज को ही लाउए प्रतिरूप कहा जाता है। और इन फ्रिंजों को ही लाउए प्रतिरूप कहा जाता है। इन फ्रिंज को ही लाउए प्रतिरूप कहा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपन ने जो एक्स किरण का विवर्तन होता है वो देख लिया। एक्स किरण का जो प्रायोगिक इंस्ट्रूमेंट है वो बता दिया। एक्स किरणों का विवर्तन की डेफिनेशन बता दी। ब्रैग समीकरण जो इम्पोर्टेंट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ब्रैग समीकरण इंपोर्टेंट लगा देना उस पर, वो भी कई बार एग्जाम में आता है। तो उससे रिलेटेड जो भी होगा अब इससे आगे वाली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब आपके क्या है, जो कुछ प्रैक्टिकल मेथड है जैसे डिवाइस एरर विधि है, FWW विधि है, तो ये कुछ विधियाँ ही आने वाली है जो केवल डायग्राम होगा और थ्योरी होगी। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन आएगी। अब कैलकुलेशन आएगी आपके पास एक तो रेसिप्रोकल लेटिस में यानी प्रतिरूप जालक में आएगी, तो वो अपन जब भाई आएंगी। अब ज़्यादा यूनिट बची नहीं है, थोड़ी बहुत बची, इसको जल्दी से एंड करेंगे। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।